स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं आपके लिए भिंडी मसाला की रेसिपी लेके आई हूँ और ये बहुत ही टेस्टी होता है। अगर आप एक तरह की भिंडी खा के बोर हो गए हैं तो ये भिंडी एक बार ट्राई करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 250 ग्राम भिंडी लिया है जिसे मैंने अच्छे से धो के क्लीन कर लिया है। अब हम इसके आगे और पीछे के भाग को निकाल देंगे। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से कट करी हूँ। उसके बाद मैं इसे बीच से कट करके इसका हम बीच में चीरा लगा देंगे। हम पूरा कट नहीं करेंगे, बस बीच में हल्का सा चीरा लगा देंगे। और हमें भिंडी थोड़ा बड़े बड़े साइज में ही कट करना है। तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से हम सारे भिंडी को कट कर लेंगे। अब मैंने एक गैस पे पैन को डाल दिया है, हम इसे गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद मैं इसमें 2 बड़े चम्मच सनफ्लावर ऑयल यूज कर रही हूँ। आप जिस ऑयल में बनाना चाहते हैं आप वो ऑयल यूज करें। और इसमें हम भिंडी डाल देंगे। आप देख सकते हैं मैंने सारे भिंडी को इसमें डाल दिया है और इसे हाफ फ्राई होने तक हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। अब मेरा भिंडी हाफ फ्राई हो गया है तो अब हम इसे पैन से निकाल लेंगे। अब फिर से मैंने 1 बड़ा चम्मच ऑयल पैन में डाल दिया है और इसमें अब हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच गोटा जीरा और इसे हम पूरी तरीके से लाल होने देंगे। अब जब पूरी तरीके से अब ये लाल हो गया है तो अब हम इसमें 3 मीडियम साइज के प्याज को मैंने फाइनली चॉप करके लिया है। मैंने 3 बड़े साइज के प्याज को फाइनली चॉप करके लिया है, छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काटा है और इसे हम पूरी तरीके से लाल होने तक भून लेंगे। अब देख सकते हैं कि मेरा प्याज अब पूरी तरीके से लाल हो गया है। तो हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे हम प्याज के साथ मिक्स करके 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। अच्छे से भुनाने जाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून आमचूर का पाउडर। ये 1 टीस्पून आमचूर का पाउडर था जो मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। हम 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर मैं डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार डालें। और मैंने 1 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर यूज किया है क्योंकि ये तीखा नहीं करता लेकिन सब्जी को बहुत अच्छा कलर देता है। और इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और फिर हम इसे सारे सूखे हुए मसाले को मिला करके हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। अब अच्छे से आप भुना चुका है हमारा, तो हम अब 3 मीडियम साइज के पके हुए टमाटर को काट करके लेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, आप जितना नमक खाते हैं उस हिसाब से इसमें नमक डाल दें और अब हम इसे चला के मिक्स करेंगे। हमें टमाटर को पूरा गलने तक चलाते रहना है। आप देख सकते हैं कि हमारा टमाटर पूरी तरीके से गल चुका है। तो अब हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच दही को मैंने फेट करके यूज किया है और अब हम मसाले के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हम इसे मिक्स करने के बाद भी 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लेंगे। अब 2 से 3 मिनट हो गए हैं, ये अच्छे से भुना गया है तो हम इसमें डाल देंगे 1 कप पानी और हम पानी में बॉयल आने देंगे। अच्छे से मसाले को पानी के साथ मिक्स कर लें और अब इसमें बॉयल आने दें। अब देख सकते हैं कि बॉयल आ गया है तो हाफ फ्राई भिंडी जो हमने पहले से करके रखा था वो हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और हम इसे धीमी आंच पे 5 से 6 मिनट तक या फिर ग्रेवी को गाढ़ा होने तक आप जितना हम चलाते रहेंगे, आप जितना ग्रेवी रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप ग्रेवी रखें। अब देख सकते हैं कि अब ग्रेवी अच्छे से गाढ़ा हो रहा है तो हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून जितना गरम मसाला और 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी, इसे क्रश करके डालेंगे।
और इसे आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कि बहुत हद तक मेरा ग्रेवी गाढ़ा हो गया है। तो फ्रेंड्स, अब आपका भिंडी मसाला तैयार है सर्व करने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे, अगर ट्राई करते हैं तो हमें फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तभी मेरे वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को टैप करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसी तरीके से नई आसान और टेस्टी रेसिपी हम आपके लिए हमेशा लाते रहें। धन्यवाद।